नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। 1947 से पहले का भारत, वो बुजुर्ग जिन्होंने कई दशक पहले उस भारत को देखा था, उनके अपने किस्से और कहानी, गांव की गाथा, समय का अनुभव और उनकी खुद की कहानी, हर समय आपके लिए लाते रहेंगे नई नई कहानियां। आज हम बात कर रहे हैं 1947 से पहले के भारत की। 97 वर्ष के बुजुर्ग प्रेमसुख बाना आज भी पढ़ते हैं अखबार, जिनकी उम्र इस समय 97 वर्ष है। आंखों में कोई धुंधलापन नहीं, उम्र के इस पड़ाव में भी युवाओं जैसा जोश है, जिसकी बदौलत वो कई मेडल भी जीत चुके हैं। आज उन्हीं के अनुभव से हम जानेंगे कि कैसी थी आज़ादी से पहले के भारत की व्यवस्था, समाज कैसा था, हिंदू मुस्लिम का भाईचारा कैसा था। प्रेमसुख बाना गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हैं, उस समय में वे चौथी कक्षा पास भी हैं। आइए उनसे खास बातचीत करते हैं। हाँ जी दादा जी, आपका क्या नाम है? जी प्रेमसुख जी। दादाजी ये बताइए कि जो पुराना समय था, एक माहौल था उस समय, हिंदू और मुसलमान एक रहा करते थे, ये मैं आज़ादी से पहले की बात कर रहा हूँ। हाँ। तो उस टाइम जो परिस्थितियाँ थी वो कैसी थी, लोग किस तरह से रहते थे, क्या आपके सामने थे मुसलमान यहाँ इस एरिया में रहा करते थे? हाँ है करते थे जी। तो कैसे माहौल थे और अचानक माहौल कैसे बदला आज़ादी के समय? वो पहले तो आना जाओ मुसलमान आया करते थे मार्केट जी, उसमें कोई गाय की भैंसों को ले जाता जाता जी, व्यापार करते थे। हाँ अच्छा, उनके बाद में जो लोग बैठे पर बोलो पीछे जी पाकिस्तान में, तो बार बार कोई वो अपने ओलता का ओलता फेंक दिया जी, वो बाबा काट दिया जी, मैं आई गलियम जी, लोग देखा कभी बहुत ब्रो करे। आपकी उम्र कितनी थी उस समय 1947 में 48 में? मेरी उम्र मेरा 20-22 साल। 20-22 साल यानी पूरी तरह से आप जवान एकदम। बिल्कुल बिल्कुल, बंदूक के बगैर बंदूक रखते थे? बंदूक में गांव में ले आया बंदूक जी, किस अवकाश के गांव में एक बंदूक ले आया बाबा बैग ले। ठीक है। अच्छा तो जब लड़ाई हुई थी उस दौरान मुसलमानों को यहाँ कौन से एरिया में होते थे मुसलमान? यहाँ मंगाला जी, बेकू जी, रंगड़ी। अच्छा रंगड़ी में मुसलमान हुआ करते थे। हाँ जी, जमीनें वगैरह भी थी उनकी? हाँ जमीनें रंगड़ी की बहुत है। अच्छा अच्छा। हाँ। तो फिर उनसे उन जमीनों का वो जो सामान था उनका, जब वो अचानक छोड़ करके भागे, वो कुछ सामान ले पाए या वो सब कुछ छोड़ के सामान लोग ले गए? लोग ले गए गांव में फिर तहसीलदार आए। अच्छा आगे में सारा जो सामान हो। हाँ हाँ, तो सारा भिजवाए एक जगह इकट्ठा करवाया। इकट्ठा करवाया ठीक है। अभी वहाँ गाय भैंस और कोई बहुत पशु। अच्छा भाई सारा इकट्ठा कर लिया। ओके। तो बाद कई इंतजाम कर दिया कोई मोल ले गए। अच्छा अच्छा, सरकार के साथ। हाँ जो जैसी व्यवस्था बनी उसके हिसाब से। ठीक है दादाजी, एक बात बताइए, जैसे गांव के अंदर पुराने टाइम में कहते थे कि जब ये रोड़े का टाइम था। हाँ। तो कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता था तो क्या पुलिस उस समय आती थी? मैं पुलिस है तो मजिया भी इकट्ठा बन देते। अच्छा जैसे बाने बात अब आपा बस रहा है ना, तो पुलिस इकट्ठा लोग नाम ले रहे बादल। अच्छा, लेकिन कम आती होगी गांव में पुलिस उस समय? बहुत कम आती। एक बार अपनी कॉल चला हुआ एक चंदू नाम ले खड़ो। अच्छा तो कोई लड़ाई कर लिया। अच्छा तो पुलिस आ जा तो बोले के बात करा क्या बात करा का चलिए चलिए। अच्छा वो तो जाती घूम में। अच्छा हाँ भाग जाता, मतलब वो डर का माहौल था, दहशत थी। हाँ जी। चंदू नाम वो लिखाओ लिखा चंदू नाम वो चंदू नाम चंदू नाम अखर। ठीक है। अरे कह बेड़े में उठ जाके चलिए चलिए गया
तो जैसे अच्छा दादाजी ये बताइए कि जो गांव में हकदारी व्यवस्था थी हाँ, वो कैसे होती थी? अकबर हकदार बोलते थे, हकदार बोलते थे हाँ, वो हकदार दस्तखत करते ना वो काम होता। अच्छा साइन व्यवस्था भी थी उस टाइम भी, साइन करने का चलन था? हाँ भाई उर्दू। अच्छा उर्दू भाषा में, उर्दू ठीक है। लेकिन हकदारी बनी कैसे, उसका मतलब क्या था हकदारी का? तो अंग्रेजों की फूट लिया, अंग्रेजों की फूट थी, अंग्रेजों ने ये मतलब एक किस्म से जाति व्यवस्था बना दी। ओके कभी पहले समझदार का जनता हकदार फलाने फला राजा। अच्छा और कोई करते जमीन, तो जो जमीनें थी जो मतलब लोगों की होती थी वो हकदारों के पास चली जाती थी। हाँ वो जबकि खेल थी ना और थाली खेल थी महाराणा में तो महाराणा डाल देते। अच्छा भी उनमें अगर कोई जिसका कोई वारिस नहीं है ना, हाँ जिनका कोई वारिस नहीं होता था वो हकदारी को चली जाती थी, हकदारी में। अच्छा तो वो खत्म कैसे हुई, किसने खत्म की उसको? खत्म तो अबू ही अपने अपने नहीं, एक इंदिरा गांधी ने खत्म की थी या पहले ही खत्म हो गई थी वो? बैठे तो इंदिरा ही कर ली, क्योंकि इंदिरा खुद एक मतलब महिला थी और उस समय ये कानून था हाँ। कि भी जो है बेटी को हक नहीं मिलता था हाँ, लेकिन हाँ, हाँ उसके बाद में इंदिरा गांधी ने इसमें अमेंडमेंट किया हाँ, और ये व्यवस्था नेहरू ने की थी हाँ, नेहरू ने व्यवस्था की थी ताकि जो बेटी है उसका हक जो है बेटी को मिले हाँ, तो वो हकदारों की जो व्यवस्था थी वहाँ उन्होंने खत्म की थी हाँ, तो दादाजी उस समय आप कितना पढ़े थे? मैं चार। चार पढ़े हुए थे, तो जो गाँव के अंदर कोई बड़े अधिकारी आते थे या मान लीजिए पुलिस वाले आते थे या कोई तहसीलदार आते थे हाँ। तो गांव के अंदर कौन बात करता था उनसे? मैंने सुना है कि हाँ, मैंने सुना है कि भी आपको ही बुलाया करते थे हाँ, हाँ, हाँ वो बातचीत करने के लिए हाँ, हाँ। तो ओके दाजी, इस समय आपकी उम्र कितनी है? आपके अब जो सतानवे साल हो गई है। अच्छा तो तीन साल रहे हैं पूरे सोने में। अच्छा दादाजी उस समय जब गांव के अंदर कोई बड़ा समारोह होता था यानी कि शादी विवाह का जो माहौल होता था हाँ, वो कैसी व्यवस्था होती थी उस समय? उस समय व्यवस्था कैसी होती थी, लोग क्या एक दूसरे की मदद करते थे? एक बापा हाँ जी हाँ जी जी हाँ वो थे तो लाडू और बूंदी, लाडू और बूंदी होते थे बस होती बढ़िया जी एक पटोरिया। अच्छा चने के हाँ सही कोई तकरीब बात होती थी हाँ तो वो सादा पटोरिया देते थे। अच्छा हलवा वगैरह बनाते होंगे वो हाँ रोज होते हाँ हाँ। अच्छा लोग मदद कैसे करते थे? मदद तो वो जो अब बकरा जो है कटा जाता है कोई कोई। अच्छा शादी में पैसे का रिवाज था और कहते हैं कि दहेज बहुत होता था उस टाइम। दहेज बहुत होता था हाँ ना? नहीं होता था ना, अच्छा कहते हैं कि दहेज जो प्रथा थी उसके कारण बड़े मतलब बच्चियों को मार देते थे, जला देते थे बहुओं को दहेज व्यवस्था के कारण, ऐसा कहाँ तक सच्चाई है? अभी है बस अभी चले हाँ 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 जी हाँ जी पहले पहले कम थी पहले तो कम वो शादी शादी चल रहा है कबाब को कोई लेख नहीं मिले पहले कम था अब थोड़ा वो समाज बल बढ़ गया हाँ बढ़ गया पीछे ज्यादा हो गया हाँ जी हाँ जी। अच्छा उस समय राजनीतिक माहौल कैसा था, किस तरह की राजनीति होती थी? राजनीति सुन के अब है ना भाई भाई अब पार्टी वार्टी तो थोड़ी होती लेकिन पार्टी चोखो कोई थोड़ी पकड़ो तो वो जो वादे तो है। अच्छा ऐसे अगर वो गरीब है तो गरीब का सच कभी हुआ। अच्छा जब कहते हैं कि वोटों के समय में पैसे भी चलते थे हाँ? ऐसा था माहौल हाँ। अच्छा अभी चले
नहीं, अब तो एक बिल्कुल अलग राजनीति हो गई है कि लोग समझने भी लग गए हैं कि भी पैसे ले, ज्यादातर क्या होता है पैसे ले भी लेते हैं लेकिन वोट नहीं देते। वोट अभी कौन दे? हाँ, पर अब एक बात हो रहा है ना, पहले जवान की राजनीति थी कि भाई जिसने कह दिया अभी है। अच्छा, ट्रैक्टर लेके आए थे वो ट्रैक्टर आपका गांव में ले। अच्छा, कितने कौन से सन की बात है, कितने साल पुरानी बात है? छह की साल। अच्छा, देसी महीना जो होता है। हाँ, देसी साल, ठीक है। तो बैंक का कहता कह गए मुसाई ट्रैक्टर है क्या? हाँ, तो वो जमीन आपके पार्ट गया है, वो हरसा बड़ा ट्रैक्टर होता था। मेसी तो छोटा ट्रैक्टर था ना। हाँ, छोटा बड़ा खेती की बढ़िया हो। हिंदुस्तान ट्रैक्टर भी आया था। हिंदुस्तान तो पहले बहुत मिले। अच्छा, गांव में। हाँ, वो तो अभी भी है शायद। हाँ, लक्ष्मी नारायण मास्टर जी के पास है। अच्छा दादाजी, पढ़ाई के लिए स्कूल के लिए कितनी दूर जाना पड़ता था? स्कूल के वहाँ कोई आया करते मास्टर। अच्छा, बार को कोई जाया करता। अच्छा अच्छा, तो वो चार जमात पांच जमात वो तक होया करता। फिर बस पढ़िया करता मेरे बाहर स्कूल में कर पड़ता गाँव गया में। ठीक है, तो रुक सारे गए। कहते हैं टीचरों की जो उस समय मास्टर होते थे उनकी बड़ी कदर करते थे लोग गांव में। बहुत तकड़ी सरपंच की तरह उसे मतलब एक हाँ गुरु की तरह उसकी मतलब एक किस्म से लोग है उसकी बड़ी इज्जत करते थे किसी। अच्छा दादाजी, नहरी जमीनें उस समय कितनी होती थी अपने गाँव के अंदर? बहुत कम, ज्यादातर एरिया बिरानी था। हाँ, अच्छा, ये नहर में पानी कब आया था फिर? पानी आया हो 10 की साल पहले। 10 की साल, काफी लंबे समय बाद है ना। अच्छा अच्छा, तो सिंचाई व्यवस्था मतलब इतनी वो नहीं थी, ट्यूबवेलों का पानी होता था उस टाइम? ट्यूबवेल लगती थी बरसात के मौसम से ही होता था जो कुछ देखिए ना। सोचा। हाँ जी, जाति पाति थी, लोग जाति व्यवस्था की बात करते हैं। बहुत कसूती थी। हाँ, कहते हैं कि लोग हरिजन या और जो दूसरी जाति उनको पानी नहीं पीने देते थे। अच्छा, मतलब जो हरिजन या जो जिनको कहते हैं कि निम्न जाति थी, जो नीचे की जाति थी, अगर उनके घर चले जाते थे तो हाथ धोने पड़ते थे। अच्छा अच्छा, कहते हैं कि घड़े से पानी भी नहीं पीने दिया जाता था पहले। चलो, अब तो फिर भी मतलब बड़ा परिवर्तन आ गया, लेकिन उस समय कहते हैं बहुत बुरे हालात थे। बिल्कुल, तो जाति व्यवस्था मतलब बड़ी मुश्किल हालात थे उन लोगों के। अच्छा, ये सब चीजें अंग्रेजों से पहले भी थी? हाँ, अच्छा, आज की बात है ना। हाँ, जाति पाति का ये अंग्रेजों ने बनाया था। अलग अलग। अच्छा दादाजी, एक बात बताइए, गांधी जी के बारे में कितना जानते हैं आप? गांधी तो मैं देखा है देख आपने देखा गांधी जी को? बहुत भारी। अच्छा, वो क्यों मेरा आया करता सरसा है ना मेरे। अच्छा, सरसा में आए हैं गांधी जी। अच्छा, तो कभी मिलने का अवसर मिला उनसे? अच्छा, इतना गांधी जी को नहीं जानते थे।
इतना नहीं जानते थे गांधी जी को। ये तो मेरे ख्याल में आजादी के समय एक लहर बनी थी। हाँ, जैसे मोदी जी की लहर बनी थी वैसे ही चलो इस पे राजनीति पे भी हम आपके अनुभव पूछेंगे, वो खैर एक समय अलग होगा, उसमें चर्चा बाद में करेंगे। अच्छा दादाजी ये बताइए कि ये जो गांव है, ये जैसे बकरियां वाले गांव है, ये कब बसा था, कितने कितने पुराने समय की बात होगी ये? आज बात तो बहुत पुरानी है। अंदाजन अंदाजन मेरे ख्याल में कितने वर्ष हो गए होंगे गांव को बसे को? 2-3 साल कम कम। अच्छा बताते हैं कि ये गुड़िया और इसके नजदीक कोई और गांव भी होता था पहले? पहले तो आप लोग बकरिया है, सबसे पहले बकरियां वाली था। अच्छा तो गुड़िया, देखो बाद में गुड़िया, उसके बाद में गुड़िया बचा था। और बकरियां वाली नाम कैसे पड़ा इसका? बकरियां वाली तो कोई तट पर आया ना कोई। अच्छा बड़े बकरी कोई ग्वाला था, वो ग्वाला था वो दादाजी। एक बात आप ये बताइए कि जो उस समय पंचायतें थी, कहते हैं कि जो लड़ाई झगड़ा जैसे गांव के अंदर होता था तो वो तुरंत जो है गांव की हाँ गांव के अंदर पंचायतों में सुलझा लिया जाता था, तो उस टाइम क्या होता था, किस तरह की न्याय प्रणाली थी, न्याय कैसे करते थे लोग? नहीं तो बैठ के बैठ के मतलब जो गांव के मौजूद लोग थे पहले जो आदमी आज का गलत खोजे क्या सूत बांध लिया करता अच्छा जमीनों का नाप तोल कैसे करते थे? जमीन तो कहे अब कोई गए जमीन पहले तो लिया एक बड़ा मालिक को लिया करता देखा कर 200-200 बीघा 300-500 बीघा ठीक है तो वो एक है तो ये देवलाल कार्य रूल। अच्छा कभी को 6 साल बाद है। हाँ सुनने वाली बात है। हाँ जी हाँ जी 6 साल की इसकी जमीन बाव है तो खरीदा भी करी। अच्छा पहले पोत तो देवलाल करी। ठीक है समझोगे? ठीक है तो ये देवलाल कहो कभी आपके खरीदारी आपके लिए बने लिख से भी मिले। हाँ चौधरी देवीलाल उस टाइम क्या थे? उसने खरीदारी का दावा कोई 6 साल भाव है। हाँ जो 6 साल तक जमीन बार है उसकी हो जाएगी उसकी खरीदारी यानी मुजारों के नाम। हाँ मुजारों पीछा भरो आप उसका कर। ठीक है अच्छा सरकारी जो फीस होती थी फीस हुई चौधरी देवीलाल की बैठ बोल किया जाए चौधरी देवीलाल ने ये की थी व्यवस्था। ठीक है साहब राम देवलाल दो भाइया मेरे ख्याल में 3200 बीघा ही 3300 बीघा ज्यादा याद है। अच्छा पक्की याद करो बस जमीन इनकी खरीदा जी दाओ देवलाल कर। ठीक है और ये माधव सिंह गाना में कोई जेलदार भी हुआ करते थे? हाँ जेलदार। अच्छा इनके पास कितनी जमीनें थी? एक जमीन 11,000 बीघा 11,000 बीघे जमीन थी तो वो फिर जमीनें अब लोगों के पास चली गई या कैसे उसके वो साफ कर दिए? अच्छा शराब पीता था तो वो मतलब जमीनें आज भी हैं लोगों ने वो अपने नाम करवा ली होंगी आप भी कर दी। अच्छा अच्छा वो खुद ही दे गया अब कोई उठ लो ना तो सब पीस गया थी तो मेरी जमीन ले ले। अच्छा जमीन ले ले अच्छा एक और बात बताइए जैसे सिरसा के अंदर कहते हैं कि ये जो पूरा बिहड़ था यहाँ पर तो जब सामान लेने के लिए जाते थे तो कहते हैं इकट्ठे होकर के लोग ऊंटों पे जाया करते थे पर भाई आप मेरे हाँ तो मतलब क्या वहाँ डकैत हुआ करते थे? डकैत को अच्छा तो भी पास है अच्छा सामान चोरी कर लेते थे ये सारे मुसलमान थे वहाँ पर मुसलमान आया वो मुसलमान
शहर में जाने में सुमारा अच्छा अच्छा तो मतलब रास्ते में उस समय पुलिस वगैरह व्यवस्था नहीं थी पुलिस कोई खास कोई खोसे ठीक है 10 रुपया 5 रुपया 20 रुपया कोई होता नहीं अच्छा पैसे की वैल्यू कहते हैं कि उस समय पैसे की वैल्यू बहुत थी तो जैसे 1 रुपए में क्या क्या सामान आ जाता था 1 रुपए से देख लो 40 मन गुड़ आ जाता है 1 रुपए 40 मन गुड़ 1 रुपए में आ जाता था मन बोलते वो मन हाँ बहुत हो गया हाँ मन कई कई क्विंटल हो गया कई कूटर टिके हो गया नहीं 40 मन का तो आप जिस तरह से बता रहे हो वो काफी हो गया 2.5 मन का 1 क्विंटल हो गया हाँ जी कहते कि 40 मन 1 रुपए को 40 मन हाँ मन हाँ 40 मन को फिर कितना हो 40 मन का 15 क्विंटल के लगभग हो गया 15 क्विंटल 40 मन शेर है बताओ 40 शेर है हाँ 40 शेर अच्छा 40 शेर 40 किलो हो गया फिर ना जी हाँ हाँ वो तो 1 मन हो गया फिर हाँ 1 मन हाँ 1 मन अच्छा दादाजी आप एक बात बताइए कि पिछले दिनों क्योंकि मैंने ये एक स्टोरी लगाई थी हाँ। आपने मेडल भी जीता था हाँ किस चीज में दौड़ में एक दौड़ में बोले हाँ पहले तो उम्र मैं बड़ी को जितनी उम्र को नहीं की समझ गया हाँ हाँ मेरे साहब उम्र ज्यादा उम्र के अंदर मतलब जो है वो नहीं हो अच्छा 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 भी तो आपने दौड़ में भाग लिया था किस में है जी किसी चीज में भाग लिया था ये सब देखो जो भाग तो लिए पर मैं ज्यादा उम्र का मेरे ऊपर बोले उम्र का हो गई अच्छा अच्छा मैं ज्यादा मेरी उम्र ठीक है अच्छा फिर मैं बना भी आप दौड़ लगाओ अच्छा ये एक बात बताओ आपकी सेहत का राज क्या है मतलब आप इतने दुरुस्त हैं चुस्ती है आपके अंदर है हाँ। तो ये मतलब आंखों से भी अभी आपको पूरा दिखाई दे रहा है दिखाई दे रहा है ओके पूरा दिखाई के अच्छा अक्सर पूरा अखबार पढ़ लेते हो हाँ एक ना लो ना लो तो क्या क्या कारण है मतलब आप सेहत को ऐसे संभाल के कैसे रख लेते हैं इतनी उम्र में उम्र तो मारा तो पूरा है अभी कोई और बात हो रही बने घर का बात ये तो धीरे रात का पड़ो गाय भैंसे का दूध वगैरह फुल होता था फुल ये पर फोड़े को बड़ो पड़े वो कभी खाओ तो दूध दे घी बफर ऐसी कुदरती की कोई बात है कुदरती की बात होती है तो सुबह से लेकर के शाम तक मतलब कैसे मेंटेन रखते हैं आप सुबह नाश्ता करते हैं खाना सुबह कितना बजे खाते हैं मैंने कभी ले लिया अच्छा कभी भी मिल जाए अच्छा अच्छा ये पूरा छोड़ा है 4 बजे का कोई हुआ भी नहीं कोई लगी हो ठीक है